ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम से जो पाठ्य पुस्तक है जनसंचार और माध्यम। इस जनसंचार और माध्यम में से अभी तक हम जो कर चुके हैं जनसंचार के कार्य है, संचार के कार्य है और जनसंचार की विशेषताएं, ये सभी कुछ अभी तक हम कर चुके थे। संचार के प्रकार, संचार के तत्व। एक बार दो मिनट मैं आपको ये सभी कुछ बता दूं। संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं? एक होता है संचारक, दूसरा होता है एनकोडिंग, तीसरा होता है संदेश, चौथा होता है माध्यम, पांचवा होता है डिकोडिंग और छठा होता है फीडबैक और सातवा होता है शोर। और संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? संचार के प्रकार सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, इसे इंट्रापर्सनल भी बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल बोलते हैं इसको, समूह संचार, जन संचार, मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, संचार की विशेषताएं, जन संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता, इसका दायरा बहुत व्यापक होता है, संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, एक औपचारिक संगठन की जरूरत होती है, ढेर सारे द्वारपाल इसमें काम करते हैं। ये संचार की विशेषताएं थी। संचार के कार्य कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए ये काम करते हैं। नियंत्रण होता है, सूचना देते अभिव्यक्ति होती है, सामाजिक संपर्क होता है, अपनी समस्याएं किसी चिंता का दूर करने का एक साधन होता है, अपनी रुचि या किसी वस्तु या विषय के प्रति फीडबैक प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है और किसी भूमिका को पूरा करने के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। जन संचार के जो कार्य हैं, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। अब भारत में जन संचार माध्यमों का विकास, सर्वप्रथम भारत में जो जन संचार माध्यमों का जो विकास किया वो देवऋषि नारद जी को माना जाता है। देवऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है और इसके बाद जो दूसरा समाचार वाचक माना जाता है वो महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की जो झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जो संजय जी ने परिकल्पना की थी, संजय को दूसरा समाचार वाचक माना जाता है। अब हम पेज नंबर 12 पे दूसरा पैराग्राफ। लेकिन भारतीय जनसंचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रसारण है, इसके प्रमाण है। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटक विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूप कथा वाचन, बाउल सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, यात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का भी काम भी करते थे। लेकिन जन संचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ है वे निश्चय हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्रों या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट, सभी माध्यमों पश्चिम से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से प्रचलित होने लगते हैं। इसलिए आज के जन संचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही है, क्योंकि उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है। इसलिए जहां वह शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। जन संचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, यानी कि जो ये पांचों है इनके बारे में पढ़ेंगे हम, कि पत्रिकाओं का
कब आविष्कार हुआ, किस देश में सर्वप्रथम इसका आविष्कार हुआ, सर्वप्रथम पहली पत्रिका कौन सी थी, ये सभी कुछ। रेडियो का आविष्कार किसने किया, कब किया, बात विश्व में रेडियो का आविष्कार कब हुआ, बात कब हुआ, सिनेमे का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार, ये सभी कुछ इसमें जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे। इन माध्यमों के जरिए भी, इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे निकाल लीजिए पेज नंबर 13। सर्वप्रथम समाचार पत्र पत्रिकाएं, यानी कि पहला समाचार पत्र कब छपा था, पहली पत्रिका कब छपी थी, किस सन में छपी, किसने छापी, कौन संपादक थे, ये सभी कुछ जानेंगे इसमें। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिका या प्रिंट मीडिया ही है। इसको पत्र पत्रिका को प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रिका पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके तीन पहलू है। पहला, समाचार को संकलित करना, यानी कि समाचार को इकट्ठा करना, संकलित कर देता है, एकत्रित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले दो कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारिता कौशल की अपेक्षा होती है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या दो विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बरसते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित नहीं हो। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स हिक्की के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था। यानी कि भारत में पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई है, जो पहला समाचार पत्र था वो था, कब निकला था, सन 1780 में जेम्स हिक्की ने, और क्या नाम था उसका, उसका नाम था बंगाल गजट। और कहां से निकला था, कोलकाता से। चार क्वेश्चन हो गए इसमें। पहला के समाचार पत्र, भारत में पहला समाचार पत्र किस सन में निकला, 1780 में, किसने निकाला, जेम्स ऑस्ट हिक्की ने, क्या नाम है, बंगाल गजट, कहां से निकला, कोलकाता से। चार क्वेश्चन बन गए, ठीक है। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर स्कूल के संपादन में निकला था, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगर पेपर में ये आ जाए ना, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब निकला, कौन सा निकला, तो लिखोगे उदंत मार्तंड 1826 में जुगल किशोर जी ने। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए भारत में समाचार पत्र की शुरुआत किस सन में हुई, किस सन में हुई, तो उस समय आप लिखोगे 1780 में बंगाल गजट जेम्स हिक्की ने कोलकाता से। ठीक है, कभी आप ऐसा ना करें, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत कब हुई, कभी आप 1826 लिख दो, उस समय आप जो सबसे पहले शुरुआत हुई है वो लिखोगे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत में
भारत में हिंदी हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कब निकला? भारत देश में हिंदी में पहला साप्ताहिक पत्र कब निकला? तो उस समय आप लिखोगे उदय मार्तंड। ठीक है, अंतर हो गया। अगला पेज निकाल लीजिए, हिंदी पेज नंबर 15 निकाल ले। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए आज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाले। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर के बाद, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी एक छोटी सी एक इनकी रचना रही है। ठीक है, भ्रष्ट भारत देश के संदर्भ में इसमें सभी कुछ बताया गया है। चना चबावे घासी राम जी, इनकी झोली में दुकान, चना चोर मोर चोर मोर, बोले बाबू खाने को मुंह खोले, ये सभी कुछ पंक्तियां इसी रचना से है। और भारतेंदु जी का जो युग माना जाता है वो माना जाता है 1857 से 1900 ईस्वी के बीच में। ठीक है भाई, चलिए। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त, ये सभी के सभी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी भी, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी, बाबूराव विष्णु पराड़कर भी, प्रताप नारायण मिश्र भी, शिव पूजन साय भी। शिव पूजन साय का तो माता वांचल आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी स्त्री विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना कविता कैदी और कोकिला, 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप। तो ये सभी के सभी क्या रहे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का 10th क्लास में है दूसरा अध्याय। तो ये सभी कुछ हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार रहे हैं, ये जितने भी नाम आए हैं। आगे चलिए, उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, परमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख है। लेकिन जहां आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वहीं आजादी पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। दो राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, लेकिन उसके व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आजादी के बाद, देखिए कहने का तात्पर्य ये है, ये जो पत्र पत्रिकाओं की जो शुरुआत हुई थी ना, वो किस कारण से हुई थी, वो इस कारण से हुई थी, इनका एक ही उद्देश्य था, एक ही मकसद था कि देश को आजाद कराना, देश के प्रत्येक कोने कोने में आजादी की जो आजादी से संबंधित जो ये क्रांति फैली हुई है, जुनून जो फैला हुआ है, वो देश के प्रत्येक नागरिक तक इसका संदेश पहुंचाया जा सके, सिर्फ ये था, ये मकसद था, ताकि अंग्रेजों से मुक्ति मिल सके। पूरा पूरा जो देश है वो एक एकत्रित होकर अपने अधिकारों के प्रति वो लड़ सके। लेकिन शुरुआत में तो ये दो दशकों तक, कुछ सालों तक पत्र पत्रिकाओं ने किससे संबंधित काम किया, देश की आजादी से संबंधित, देश के नागरिकों को सूचना देने से संबंधित, देश के नागरिकों को एकत्रित करने से संबंधित। लेकिन बाद में ये सिर्फ एक प्रोफेशनल बन गई, एक व्यावसायिक पत्रिकाएं बन गई। आज आप देखते भी होंगे, कहीं पर किसी नेता के फोटो लगा मिलेगा, कहीं क्या मिलेगा, कहीं पर किसी हीरो या हीरोइन का, ठीक है, लेकिन कोई देश से संबंध, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित। आज ये जो भारत देश के और पूरे विश्व की जो आर्थिक जो
स्थिति है उससे संबंधित आप कहीं पर भी इतनी कोई खास विशेष कोई बातें आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं मिलेगी आपको पत्र पत्रिकाओं में, ठीक है। सिर्फ राजनेताओं से संबंधित ये जो खबरें आज पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलेंगी। आज एक निर्बल व्यक्ति, एक जो कमजोर व्यक्ति है, उसकी दशा को कहीं नहीं दिखाया जाएगा। अगर दिखाया जाएगा तो सिर्फ अपने पत्र पत्रिका को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने पत्र पत्रिका को, अपने चैनल को प्रसिद्ध करने के लिए एक कमजोर व्यक्ति की दशा को, एक उसकी स्थिति को दिखाने की कोशिश करते हैं। वरना वैसे कहीं पर किसी की स्थिति को दिखाया नहीं जाता पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, ठीक है। तो ये कहने का अर्थ है। आगे निकाल लीजिए अगला पेज। बाद वह एक व्यवसाय बन गई। आजादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नए समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आजादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आजादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में से किसी एक का दो का नाम बताइए, तो ये आपको याद रखने होंगे। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। अगर आपसे समाचार पत्र पूछे जाए तो मान लीजिए ये पूछे जाए आजादी के बाद के कुछ प्रमुख हिंदी अखबारों के नाम बताओ या किसी एक अखबार का नाम बताओ, तो उस समय तो आप लिखोगे इनमें से नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, इनमें से किसी एक का। अगर आपसे पत्रिका के बारे में पूछा जाए आजादी के बाद की पत्रिका के बारे में, तो आप लिखोगे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे या आउटलुक, इनमें से किसी एक को याद रख लेना। इंडिया टुडे, रविवार, दिनमान, आउटलुक, ठीक है भाई। आगे चलिए। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आजादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद हीरानंद वासिन अजय जी, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, परदास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। ये सभी के सभी, रघुवीर साय जी, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, ये सभी के सभी हिंदी साहित्यकार रहे हैं। अब जो पढ़ेंगे रेडियो, रेडियो की क्या आवश्यकता पड़ी, रेडियो का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, विश्व में रेडियो का आविष्कार कब हुआ, भारत देश में रेडियो का आविष्कार कब हुआ, रेडियो की क्या विशेषताएं हैं, ये सभी कुछ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है भाई। रेडियो पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। यानी कि रेडियो का जो आविष्कार है वो किस सन में हुआ, 1895 में, किस देश में हुआ, इटली में। किस देश के नागरिक ने किया, आविष्कारकर्ता ने किया, इटली के, क्या नाम था, जी मार्कोनी, जी मार्कोनी, ठीक है भाई। तो ये चार पांच क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे इसमें। चलिए, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमरीकी शहर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। यानी कि जो रेडियो स्टेशन है वो अमेरिका में खुल चुके थे, अमेरिका में 1892 में, ठीक है, अमेरिकी सर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में। लेकिन उस समय रेडियो का ये जो चैनल तो खुल चुके थे लेकिन इनका प्रसारण अभी तक नहीं होना शुरू हुआ था, ठीक है। भारत में भी लगभग इसी समय रेडियो की शुरुआत हुई। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया
ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। अब ये एक अंक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में संगीत कार्यक्रम जो प्रसारित होना शुरू हुआ वो किस सन में हुआ? 1921 में, कहां से? बंबई से, ठीक है। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई? सन 1936 में। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। और आजादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, यानी कि जब तक देश आजाद हुआ उस समय तक भारत देश में कुल कितने रेडियो चैनल थे? 9 रेडियो स्टेशन थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ढाका, लाहौर और पेशावर। ये जो तीन है, ढाका, लाहौर और पेशावर, ये बाद में पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, ठीक है। जाहिर है इनमें से तीन रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। कौन कौन सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया? ढाका, लाहौर और पेशावर। बाकी ये जो 6 हैं ये भारत के हिस्से में रह गए थे, ठीक है। 1947 के बाद ये तीन चैनल पाकिस्तान के हिस्से में पहुंच गए। अगर पेपर में ये पूछा जाए ना, आजादी के समय तक देश में कुल कितने रेडियो स्टेशन थे, तो लिखोगे आप 9, उनमें से किसी एक का नाम बताओ, तो ये आप लिख सकते हो ढाका, लाहौर, पेशावर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इनमें से किसी एक का नाम लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलिए। आजादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ, एक धर्म निरपेक्ष लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नव निर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को बढ़ाने और राष्ट्रीय नव निर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज देने का काम रेडियो ने किया। अगला पेज निकाल लीजिए। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है पेपर में कि आकाशवाणी, आज देश की आकाशवाणी कितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, कितनी बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। अगर भाषाओं में पूछा जाए तो 24, अगर बोलियों में पूछा जाए तो 146, 146, ठीक है भाई। देश के 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में निजी कंपनियां भी आगे आई, यानी कि FM की जो शुरुआत है वो किस सन में हुई? 1993 में। चलिए, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशाही निकाय को सौंप दिया गया, यानी कि ये इसका निजीकरण कर दिया गया आकाशवाणी का, ठीक है भाई। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल सन 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। FM के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी FM चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है, इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। यानी कि रेडियो की जो विशेषता पूछे ना, तो एक तो ये तात्कालिकता, तुरंत ही वो पहुंचा देती है, खबर को पहुंचा देती है, एक इसके अंदर घनिष्ठता और एक इफेक्ट प्रभाव। चलिए, ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांव में
जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो की एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविजन की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। फिर अगली विशेषता क्या होगी कि ये दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकता है, खबर पहुंचा सकता है, और ये अन्य साधनों से सस्ता भी होता है। ये भी इसकी खासियत है रेडियो की, ठीक है, इसकी विशेषता के अंदर आ जाएगा। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी FM स्टेशनों और BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, मास्को रेडियो, रेडियो पेचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण, एमएफजे रेडियो क्लबों का भी जाल बिछा हुआ है। ये रेडियो के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं। अब टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, भारत देश में पहला भारत देश में टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ और विश्व में टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ, ये जानेंगे। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। देखिए जो रेडियो माध्यम है, रेडियो सर्वे माध्यम के अंदर आएगा, सिर्फ उसको सुन सकते हैं, उसमें चित्रों को गतिविधियों को हम देख नहीं सकते, लेकिन टेलीविजन में हम चित्र को देख भी सकते हैं और उससे संबंधित जो गतिविधियां उन्हें सुन भी सकते हैं। चलिए आगे, प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना, अगला पेज निकाल लीजिए, सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। सन 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। सन 1936 तक BBC ने अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। बाद में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1959 यानी कि बाद में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, 15 सितंबर 1959 को। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांव में दो टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में दो बार एक एक घंटे के लिए दिखाया जाता था, लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ, तब रोज एक घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, बंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए, लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया और 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। यानी कि दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई जाती है, 1984 में। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था, वह देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। अभी जोशी जी ने जो ये स्टेटमेंट कही है ये करंट में देखी जा सकती है। करंट में कैसे, जैसे अभी ये जो बीमारी चली थी लॉकडाउन, विश्व में भी और अपने देश में भी लॉकडाउन लग गया था, तो लोगों ने मांग की प्रसारण मंत्री से कि इस तरह से महाभारत जो ये रामायण है ये दूरदर्शन पर दिखाई जा सके, ताकि जो आने वाली जो ये जो युवा पीढ़ी है इसमें जो नैतिक मूल्य है वो घट रहे हैं युवा पीढ़ी के अंदर, ठीक है, तो ताकि ये महाभारत को और ये जो अन्य नाटक है, ये जो रामायण है, इसको अच्छे से देख सके। तो लोगों ने मांग की
तुरंत ही ये डेढ़ महीना महाभारत भी चली और रामायण भी चली, और उसके साथ साथ जो अन्य जो कार्यक्रम थे जिनसे शिक्षा मिल सकती है, जिससे कि पूरा का पूरा परिवार एक ही जगह एकत्रित होकर अच्छे से देख सकता है, एजुकेशन एडॉप्ट कर सकते हैं, युवा पीढ़ी उससे अच्छे से सीख दे सकती है, ले सकती है। ये सभी कुछ क्या था, प्रसारण मंत्री ने तुरंत ही इसे चालू कर दिया। तो ये जो उस समय जोशी जी ने जो पुराने मूल्य टूट रहे हैं और नए बिल्कुल ही बन ही नहीं रहे, ये स्टेटमेंट आज भी मौजूद है, ये कहावत आज भी हमारे ऊपर लागू होती है। ठीक है, तो आगे चलिए। समिति के मुताबिक जन के माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निमित्त उद्देश्य रहे हैं सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता उद्देश्य है ये दूरदर्शन के। एक तो सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंदर किसी कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो उसमें अहम रोल होता है टेलीविजन का। आप देखिए, मान लीजिए इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन होने शुरू हो जाए भारत देश में, जो भी है जितने भी चैनल कहीं ना कहीं मीटिंग एमएलए के साथ, कहीं ना कहीं मंत्री के साथ, सभी के सभी नरेंद्र मोदी जी के साथ ये कार्यक्रम दिखाते मिलेंगे आपको हर एक विज्ञापन, हर एक टीवी चैनल पर। तो ये एक क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन ही होता है। अब अगर आज भारत देश में भारतीय जनता पार्टी है तो उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो है दूरदर्शन, यानी कि ये जो जितने भी टीवी चैनल है, ठीक है, उन्हीं की वजह से ये माहौल बदला था, वरना कांग्रेस भारत ने अपना अपने जो पैर है वो मजबूती के साथ जमा चुके थे। चलिए आगे, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, कृषि विकास और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैनल भी आता है, उस पे हर वक्त कृषि से संबंधित जानकारी दी जाती है, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, अब स्पोर्ट्स जैसे कि 19 सितंबर से आईपीएल शुरू हो जाएंगे, अब सभी के सभी, कोई कोलकाता नाइट राइडर्स को, कोई दिल्ली को, कोई पंजाब को सपोर्ट करता हुआ मिलेगा, पूरी जान को फूंक देते हैं उसमें, हम पूरी की पूरी जान भर देते हैं अपनी। ठीक है, आगे सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन, ये इसके दूरदर्शन के उद्देश्य हैं। बाकी करेंगे आगे, जब भी क्लास होगी बुधवार को, तो इसमें से जिस किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक निशान लगा लीजिए। हाँ, एक विशेष बात का विशेष ध्यान रखते, हो सकता है कि आगे आपकी जो परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाएं वो MCQs में हो जाए, तो मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप किताब से जितने भी हो सके MCQs क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना, अगर फिर भी आपको कोई समस्या तो आप मुझसे बता सकते, मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछिए भाई।